अस्सलाम वालेकुम। अपनी बात बिजनेस में फिर एक नए वीडियो के साथ में हाजिर है। आज हम पहुंच चुके हैं देवनार बकरा मंडी और कुर्बानी के बकरे आना शुरू हो चुके हैं और हमें मिल चुके हैं हमारे दिलदार भाई। तो दिलदार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे दिलदार भाई? अच्छे खैरियत है। बाहर मिले थे और अभी अंदर ही मिल गए माशाल्लाह। तो कितने बकरे लाए थे आप दिलदार भाई? 126 107 बकरे लाए थे आप कल, है ना? जी। तो अभी कितने बकरे सोल्ड आउट हुए अभी आपके? अभी 35 बकरे सोल्ड आउट बिक गए माशाल्लाह। तो क्या रेंज से लेकर क्या रेंज तक है बकरे आपके पास? मेरे पास 30 से लेकर 40 तक रेंज के। 30,000 से लेकर 40,000 तक आपके पास है। मगर आपने इतना प्यारा रेट बोला है तो लोग 30 से लेकर 70, 80, 90 कर रहे हैं। मगर आपके बकरे भी देख रहा हूँ मैं तो पूरे वाइट है बकरे, सब वाइट वाइट बकरे सोजत नस्ल में है माशाल्लाह। तो दिलदार भाई मैं वीडियो आगे बढ़ाने से बेहतर है कि मैं जो है ना आपका कॉन्टेक्ट नंबर लेना चाहता हूँ। नंबर बताइए ना आपका। दिलदार खान मेरा नाम है। हाँ? जोधपुर राजस्थान से हूँ। हाँ? मेरे मोबाइल नंबर है 8769 015 340। अच्छा, ये मतलब साल भर करते हो सिर्फ कुर्बानी में ही करते हो? नहीं, साल भर करते हो। तो बच्चे वगैरह? बच्चे पालते हैं। हाँ? फिर यहाँ लाते हैं। अच्छा, कोई बंदा ये वीडियो देखकर अगर कुर्बानी के बाद आपको कॉल करे का है और दिलदार भाई ये बच्चे हमको 2 बच्चे चाहिए 3 बच्चे चाहिए तो मिल जाएंगे आप? मिल जाएंगे। तो एकदम आहिस्ते आहिस्ते नंबर बोलिए आप। 8769 015 340। ठीक है दोस्तों, ये मैं बकरे सारे उठाने की कोशिश नहीं करूँगा कि सारे बैठे हुए थके हुए, मगर 2-3 बकरे निकाल कर रेट वगैरह पूछेंगे दिलदार भाई से। और माशाल्लाह दिलदार भाई का जो ये जहाँ बैठे हैं ये पतरे का शेड है, पतरे के शेड के अंदर जो अपन 6 नंबर गेट है वहाँ से एंट्री करेंगे तो ये पतरे का शेड है। पतरे के शेड के अंदर जो है एक झाड़ है, उसी के बीच में इनका 12 नंबर है। ये लेफ्ट साइड में है माशाल्लाह। तो ये भाई हमको कॉपरेट कर रहे हैं माशाल्लाह। तो दिलदार भाई एक एक बकरा आप दिखाएंगे जरा हमारे को? जी जी जी। जो बैठा दिलदार भाई ये जो बच्चा फीडर के ऊपर खड़ा हुआ है दिखाओ जरा, ऐसा लग रहा है किसी ने इसको सिखाया है फीडर पर खड़े रहने का। और फीडर पर खड़ा हुआ ये बच्चा क्या रेंज में आप देना चाहते हो, क्या रेट में देना चाहते हो? ये रेंज रहेगा आपके 35,000 के। बहुत प्यारा रेट बताया आपने। क्या किलो पे होएगा, क्या वेट होगा इसका? इसका 65-70 के बीच है। 65 और 70 के बीच। 65 पकड़ के चलो आप, है ना? हाँ। तो 35,000 आप मांग रहे हैं ना? जी जी। कोई अगर बोले कि थोड़ा रेट कम करो तो हो जाएगा रेट वगैरह कम? वो हिसाब से उस हिसाब से देख लेंगे। ठीक है माशाल्लाह, ये भी अच्छा बकरा है। और जैसे ये बकरा आपके पीछे खड़ा हुआ है देखिए, हाँ ये बकरा उठाइए ना, हाँ सामने चेहरा लिख रहा है। माशाल्लाह ये भी बकरा बहुत प्यारा है और ये भी 70 किलो पे होएगा? हाँ 70 किलो। क्या पैसे मांग रहे हैं इसके? इसके 36,000 रुपये। 36,000 रुपये रेट आपका बहुत मुनासिब दाम लग रहा है मुझे मेरे हिसाब से। बाकी वाइट बच्चे हैं और सब वाइट माल है इसके अंदर। मैं और माल दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं अब्दुल रहमान से कहूँगा थोड़ा और पूरे बकरे दिखाए जो बैठे हुए। रेट बकरे हम लोग उठाने की कोशिश नहीं करेंगे रेट वाले का भी डालना। हाँ ये रेड वाला बकरा क्या रेट में? ये 40,000। ये 40,000 में मुंडा है ये दिया है अभी सौदा हुआ है। हो गया बिक गया? जी जी। माशाल्लाह ये बकरा बिक गया है। और जो बकरा रस्सी खा रहा है वो 36,000। 36,000 जी। 36,000 है अब्दुल रहमान वापस दिखा बकरा गया उसका। बिक गया है बकरा, मैं दिखा रहा हूँ ये बकरा बिक गया है और बहुत प्यारा बकरा है। 36,000 में बहुत अच्छा बकरा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा बकरा है। हाँ ये मुंडा भी अंडुल लग रहा है। ये नहीं खस्सी है सर? नहीं अंडूल है ये, अभी जल्दी खसी हुआ है। नहीं नहीं अंडूल है। अंडूल है और इतना शांत बैठा है दिलदार भाई, क्यों ऐसा? अरे थका हुआ है। थका हुआ है? ठीक है, बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है, अच्छी कमान का बच्चा है। तो क्या मांग रहे दिलदार भाई इसका? अंडूल का 50,000 रुपये। 50,000 मांग रहे? 50,000 मांग रहे? जी जी। तो ठीक है माशाल्लाह, ये हमारे दिलदार भाई है। सारे बकरे वापस से कहूँगा कवर कर दो। सारे बकरे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं हमारे दिलदार भाई के। और जिस किसी को लेना है तो हमारे दिलदार भाई को कॉन्टेक्ट करें, कॉल करें। और दिलदार भाई जो है पतरे के शेड पे बैठे हुए हैं और 6 नंबर गेट से आएंगे तो लेफ्ट साइड में बैठे हुए, लेफ्ट साइड में ये इनका 3रा नंबर काला है और ये आपको दिख जाएंगे। फ़ोटो वगैरह वापस से ले लेते हैं उनसे, है ना? तो दोस्तों ये वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआ में याद कीजिए। जितने लोग बकरे बेचने आए उनके सारे बकरे बिक जाए ये दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम।